Oh my god. Oh my god. गाइस मेरा नाम है रॉकी और मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं कि जादू जैसे वीडियो कैसे बना सकते हैं दोस्तों। तो ये वीडियो आप पूरा देखोगे फिर ही आपको समझ में आने वाला है, क्योंकि जो पूरा वीडियो नहीं देखता है उनसे ये वीडियो नहीं बनेगा गाइस। इसी के लिए आपको पूरा वीडियो पूरा ऑल टू ऑल देखना होगा शुरू से लेकर। तो गाइस बहुत दिनों से कमेंट आया था कि मुझसे वीडियो नहीं बनता। तो गाइस आप लोग क्या करते वीडियो के आगे बढ़ा लेते हो, यही कारण है कि आप पूरा वीडियो देखो, ऑल टू ऑल देखो, नहीं बनता ये मेरा गारंटी है गाइस कि आपको पूरा वीडियो बनेगा। आप बिना वीडियो के एक भी पोस्ट किए पूरा वीडियो देखो, आपको वीडियो बन जाए। तो गाइस वीडियो एडिटिंग सीखने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल आर इंडिया को रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर ले, और साथ में ही एक बेल आइकन होगा इसे भी दबा दे दोस्तों। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा दोस्तों, तो आप सबसे अच्छे से अच्छे वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं दोस्तों। और एक बात मैं बता दूं गाइस, इस यूट्यूब चैनल पर सिर्फ वीडियो एडिटिंग के ही वीडियो मिलेंगे, जो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा गाइस। आप देख सकते हैं इसमें इच्छाधारी सांप बनने वाला वीडियो, उड़ने वाला शक्तिमान जैसे उड़ने वाले वीडियो गाइस, इस पे बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे गाइस। तो दोस्तों चलिए चलते हैं बिना टाइम गवाए हुए एक वीडियो एडिटिंग पे गाइस। को इस तरह वीडियो कुछ शूट कर लेना है, और गाइस देखकर को इस तरह कुछ एक्टिंग भी करना है गाइस। तो ये देखिए मैंने एक्टिंग किया, और इस तरह आपको वीडियो शूट कर लेना है गाइस। और ध्यान रहे कि ये जो बच्चा है वो हिलना नहीं चाहिए गाइस, मैंने कि वैसे ही दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए गाइस। तो इस तरह वीडियो शूट कर लेना है, और गाइस आपको वीडियो के शुरू में यानी कि फर्स्ट में एक ठो कैप्चर लेना होगा, यानी कि जो स्क्रीन शॉट होता है यानी कि बैकग्राउंड का, बिना मोबाइल हिलाए हुए। जैसे मैं यहाँ से वीडियो शूट किया गाइस, और इस तरह ही वही मोबाइल को बिना हिलाए हुए वीडियो लेना है और बैकग्राउंड भी गाइस। उसके बाद एक तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है यानी कि फ़ोटो खींच लेना है। तो गाइस चलिए चलते हैं फिर वीडियो एडिटिंग पे गाइस। तो गाइस जो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं दोस्तों, तो आप वहाँ से काइन मास्टर डाउनलोड कर सकते हैं गाइस। और जो भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट कर सकते हैं गाइस। तो काइन मास्टर यानी कि खोलने के बाद कुछ ऐसा दिखता है गाइस। तो यहाँ से आपको ध्यान देना, मैं यहाँ पे जो भी स्टेप बताता हूँ आपको पूरा फॉलो करना है। तो गाइस यहाँ पे प्लस का चिन्ह बना हुआ है, उस पर क्लिक करना है, और सेकेंड में होगा एम्प्टी प्रोजेक्ट, उस पर क्लिक कर देना है गाइस। उसके बाद कुछ इस तरह का मेरे पास इंटरफेस आ चुका है गाइस। तो यहाँ पे दाहिने साइड में लिखा होगा मीडिया ब्राउजर, तो उस पर क्लिक करना है, और यहाँ से जो मैंने वीडियो शूट किया है तो गाइस वो वीडियो मुझे यहाँ से ले लेना है गाइस। तो आप भी वो वीडियो यहाँ से ले लेना गाइस। तो ये मैंने वीडियो शूट किया है, तो इसको यहाँ से ले लेना है मीडिया ब्राउजर से, यानी कि फ़ोटो नहीं बैकग्राउंड। और आपको मैंने पहले भी बोला था कि एक तो फ़ोटो स्क्रीनशॉट भी बैकग्राउंड का लेना है गाइस, यानी कि ऐसा बैकग्राउंड आप भी आपको लेना पड़ेगा। और इसको क्या करना है, यहाँ से स्क्रॉल करके यानी कि लंबा कर देना है गाइस। इससे क्या होता है कि वीडियो स्लो हो जाता है कि हमें वीडियो एडिटिंग करने में, फिर इसको लंबा कर देना है गाइस। और यहाँ से एडिटिंग करना है मेरे को, तो गाइस यहाँ से एक ध्यान देना है गाइस, यहाँ पे जाके पॉइंट पे जहाँ से हम ऊपर करें, यहाँ से मैंने ऊपर करें डंटा को ऊपर करें यानी कि, तो उसको नीचे पर ले जाएंगे। उसके बाद यहाँ से लेयर में जाएंगे गाइस, और मीडिया में जाना है। उसके बाद यहाँ पे साइड में लिखा होगा बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड में जाना है गाइज, और उसमें से कोई भी कलर का बैकग्राउंड ले लेना है। और उसका कलर यहाँ से गाइज आप देख सकते हैं, यहाँ कैची के साइड में कलर लिखा होगा, उस पर जाके यहाँ पे ग्रीन कर देना गाइज। तो ये ग्रीन हो चुका है, और इसका साइज यहाँ से वीडियो जितना बड़ा मेरा वीडियो है उतना बड़ा कर देना गाइज। आपका जितना बड़ा वीडियो होगा उतना बड़ा आप इसका यानी कि लेयर, ग्रीन स्किन लेयर का कर सकते हैं। उसके बाद इस पर क्लिक करना है, और इससे क्या होता है, ये जो ऊपर में हुआ उससे घूमता है यानी कि, और इससे ये बड़ा होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है किससे ये घूम राउंड करता है और किससे ये बड़ा होता है। उसके बाद यहाँ पे सेम साइज में आप देख सकते हैं इतना में मुझे ये लेना है, तो उसके बाद यहाँ पर नीचे इसको फिट कर देना गाइस। अब ये पहला काम ये करना है कि गाइस इसको यहाँ पर ठीक से फिट कर देना है, और यहाँ से एक टू आउट काम करना है। यहाँ पे आपको थोड़ा रिकॉर्ड करना है कि गाइस ये कैसे होगा। तो ये यहाँ पे आपको बाएं साइड में कचरे के डिब्बे के ऊपर यहाँ पे चाबी का चिन्ह बना है गाइस, उस पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होता है वीडियो रिकॉर्ड होने लगता है। और यहाँ से दोनों लेयर को थोड़ा आगे करना है थोड़ा, और इस ये जो ग्रीन वाला है उसको थोड़ा ऊपर करना है गाइस, डंडे से पीछे, फिर इसको आगे करना है और इस ग्रीन वाले को ऊपर करना है गाइस। आपको सेम इसी तरह पूरा कर लेना है गाइस, पूरा करना है, और इसको यानी कि पूरा ढकना होता है यहाँ से, फिर
फिर इसको आगे करना है गैस, और उसी सेम पे इसको भी यहाँ से कर लेंगे गैस। फिर यहाँ पे इसको आगे करना है, और ये रहा तो गैस ये देखिए, ये थोड़ा बहुत मेरा वीडियो कंप्लीट होने वाला है। तो गैस वीडियो पूरा देखिए, इसके बाद फिर इसको आगे करेंगे और इसको यहाँ से बड़ा कर देंगे गैस, थोड़ा थोड़ा इसको बड़ा कर देंगे सेम साइज में, जो डंडा को ऊपर से जाए ना। तो ये कुछ हो चुका है गैस, जैसे ये देख चुके आप, यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुका है। तो गैस इससे दिखा देता हूँ कि ये इससे क्या होता है गैस। ये देखिए, ये कुछ इस तरह का वीडियो बन चुका है। तो आप देख सकते हैं किस तरह का वीडियो बन चुका है गैस। तो ये देखिए मेरा वीडियो हो चुका है। तो अब इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से सेव कर दूँगा गैस। तो इस पर क्लिक करना है लेयर पर, और यहाँ से साइड का चिन्ह बना होगा गैस, तो उस पर क्लिक करना है। और यहाँ सेव वीडियो टू गैलरी लिखा हुआ है गैस, उस पर क्लिक करके यहाँ से मैं क्या करता हूँ, लो क्वालिटी में कर लेता हूँ। आपको हाई क्वालिटी में करना है तो आप हाई क्वालिटी में सेव कर सकते हैं। तो गैस ये सेव हो रहा है, इसको सेव होने दीजिए गैस। तो सेव होने के बाद आपको फिर से काइन मास्टर पे जाना है, और फिर इस पे प्लस पे करके एम्प्टी प्रोजेक्ट पे, और मीडिया ब्राउजर से गैस आपको यहाँ से बैकग्राउंड ब्लैक कलर का बैकग्राउंड लेना ले लेना है गैज, और सही पे क्लिक कर देना है, यहाँ से ब्लैक कलर का बैकग्राउंड ले लेना है गैज। तो ये मैंने ब्लैक कलर का बैकग्राउंड ले लिया, और इसको इतना लंबा कर देते हैं जितना लंबा मेरा वीडियो रहेगा गैज। तो आप भी ले लेना, और यहाँ से लेयर पे क्लिक करना है गैज। मैंने पहले भी बोला था कि जहाँ से आप वीडियो शूट किए वहाँ पर एक तो फ़ोटो भी लेना है, वो भी वही स्टेप में बिना वीडियो के हिलाए हुए। तो उसको मैंने यहाँ पर कैप्चर लिया था, उसके बाद लेयर में जाके कैप्चर वाला फ़ोटो लेना है गैस, वीडियो नहीं फ़ोटो। तो इसको क्या करता हूँ, मैं यहाँ से फुल स्क्रीन कर देता हूँ, और इसका साइज़ जितना लंबा है उतना लंबा कर देता हूँ गैस, यानी कि जितना लंबा मेरा वीडियो रहेगा उतना लंबा इसका साइज कर देता हूँ गैस। और फिर से लेयर में जाना है, और यहाँ से मीडिया से इस बार वीडियो ले रहना है जो मैंने आपके सामने एक्सपोर्ट किया था गैस, यानी कि जो ग्रीन स्क्रीन वीडियो बनाई थी गैज, उसको भी यहाँ से फुल स्क्रीन कर देना है गैज। और इसको आगे बढ़ाते हुए गैज, ये बैकग्राउंड थोड़ा छोटा हो चुका है तो इसको लंबा कर देंगे, क्योंकि इतना बड़ा वीडियो रहेगा उसके बाद ये बन सकता है गैज। जितना बड़ा आपको बैकग्राउंड लेना उतना ही बड़ा वीडियो बनेगा, तो जितना बड़ा मैं बैकग्राउंड लेता हूँ उतना बड़ा वीडियो बनेगा गैज। तो यहाँ से मैंने ये पूरा हो चुका है, और ये वाला जो ऊपर में था गैज, ये जो मैंने फ़ोटो का भी बैकग्राउंड यहाँ पे जो मैंने कैप्चर किया था गैज, उसको भी उतना लंबा कर देना है। तो ये रहा वो नीचे में, इसको यहाँ पे कर देते हैं गैज। तो ये इतना लंबा हो चुका है, इसको भी यहाँ पे घीच के बड़ा कर देना गैज, उतना बड़ा जितना बड़ा मेरा वीडियो है, क्योंकि तीनों एक साथ रहेगा गैज तो फिर ही मेरा वीडियो बनने वाला। अब क्या करना है गैज, यहाँ से यानी कि वीडियो लेयर जो है उस पर क्लिक करना है गैज। जब फोटो लेयर पर क्लिक नहीं कीजिएगा, वीडियो लेयर पर क्लिक करके उसके बाद ये क्रोमा की लिखा होगा गैज, इसको इनेबल कर देना है गैज। और इसमें कलर चूज करना है कि कौन सा कलर हमको गैप करना है, तो ग्रीन करना है गैप, तो ग्रीन पर क्लिक कर दिए गैज। अब ये हो चुका है, इसका काज है ये आप करेगा गैज। तो ये कुछ इस तरह वीडियो बन चुका है गैज। तो मुझे लगता है कि आज यानी कि थोड़ा बहुत उम्मीद है कि वीडियो बन चुका है गैज। तो ये प्ले करके मैं दिखा रहा हूँ इस तरह वीडियो बना है गैज। तो ये देखिए मेरा वीडियो कुछ इस तरह का बन चुका है। तो गैज इसमें भी कुछ अभी कन्फ्यूजिंग है कि ये अभी मिला नहीं है, कि कलर नहीं मिला। तो गैज क्या करूँगा, मैं वीडियो इफेक्ट पे क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे लिखा होगा कलर, ये इसमें मिलाने वाला होता है गैज। इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कितना मिलाना है। तो गैज इस पर मिला या तो ये गैज मेरे पूरा उम्मीद है कि ये गैज पूरा वीडियो बन चुका है। तो गैज ये रहा मेरा वीडियो। तो गैज आपको वीडियो बनाने के लिए कुछ नहीं करना, थोड़ा अपना दिमाग का यूज़ करना गैस। तो ये मेरा वीडियो बन चुका है गैस। तो इसके लिए आप लोग के लिए बहुत थैंक्स यार, कि आप लोग मेरा इतना सपोर्ट करते हैं गैस। और वीडियो अच्छा लगा तो एक तो लाइक कर दीजिए गैस। थैंक्स फॉर वाचिंग ऑल फ्रेंड माय ऑल फ्रेंड गैस। तो आप भी ऐसा वीडियो बना सकते हैं, और लाइक ऐप टिकटॉक पर अच्छे से अच्छे फॉलोवर्स बढ़ा सकते हैं गैस। उसके बाद इसको भी यहाँ से साइड का चिन्ह बना हुआ गैस, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर लिखा हुआ सेव वीडियो टू गैलरी, इस पर क्लिक कर देना है गैस। तो आपको इसमें फुल एचडी कर लेना, या मिडिल फुल एचडी, या हाफ एचडी, मिडिल क्वालिटी, आपको जैसा चाहे वैसा इसमें आपको सेव कर लेना है। मैंने अदर पहले से ही सेव कर लिया। तो गाइस ओके बाय गाइस, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।